नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अपने अपने घरों में ही होंगे आप लोग और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ आज का पहला प्रश्न, शेख हसीना वाजेद कितने बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन चुकी है? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। ये बांग्लादेश के अभी भी प्रधानमंत्री हैं। अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो इसका आंसर होंगे सी 4 बार। वे अब तक 4 बार बन चुके हैं। पहली बार 1996 में बनी थी, दूसरी बार 2008 में, तीसरी बार 2014 में, और अभी 2018 में चौथी बार उनका चल रहा है। 2014 में वे निर्विरोध जीती थी क्योंकि ऑपोजिशन लीडर इलेक्शन से वो इलेक्शन हट गए थे। अगला प्रश्न, 2020 में इनमें से किस नेता का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया या मनाया जा रहा है? ए बंगबंधु, बी देशबंधु, सी नेताजी, डी लौह पुरुष। इसके आंसर होंगे ए बंगबंधु। बंगबंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान। अभी हाल ही में उनका जन्म शताब्दी वर्ष, जन्म 100वां जन्मदिन मनाया मनाया गया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी बधाई दिए थे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए। वो जाने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं गए। बंगबंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान, 17 मार्च 1920 में उनका जन्म हुआ था और 2020 में 100 वर्ष हो गए। देशबंधु चित्तरंजन दास का 5 नवंबर 1870 को, यानी 150 वर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को हुआ था, वे लगभग 123 वर्ष हो गए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, 31 अक्टूबर 1875 का जन्म, इनका 145 वर्ष हो गए। ये जो नंबर है डिजिट, ये याद रखना होगा, ये काम आते हैं जो ऑडियो जब सिलेक्शन हो जाता है केबीसी के तरफ से, जब कॉल आता है रैंडमली सिलेक्शन के बाद, तो जो क्वेश्चन पूछते हैं फोन पर, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी नंबर में आंसर देना होता है, डिजिट में नियरेस्ट क्वेश्चन उसको बोलते हैं, नियरेस्ट आंसर। अगला प्रश्न, UNO में कितने आधिकारिक भाषा है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका आंसर होंगे 6, 6 भाषा है। अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश भाषा UNO के 6 आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न, 2 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया छोड़ने की बात पर इनमें से कौन सा वर्ड सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर था? ए हैशटैग यस सर, बी हैशटैग नो सर, सी हैशटैग अभी नहीं, डी हैशटैग क्यू सर। तो इसके आंसर होंगे बी हैशटैग नो सर। जब हमारे प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया छोड़ने की बात बोले थे, उन्होंने शायद छोड़ देंगे, तब ये ट्रेंड पे था। उन्होंने अपने सारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट को देश के महिलाओं के नाम कर दिए हैं, महान महिलाओं के नाम, बेटियों के नाम। अगला प्रश्न, अमिताभ घोष द्वारा लिखित इनमें से कौन सा उपन्यास वर्मा के बारे में है? ए शैडो लाइट्स, बी ग्लास पैलेस, सी हंग्री टाइड्स, डी काउंट आउट। इसके आंसर होंगे बी ग्लास पैलेस। इसमें उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंगबुआंग डायनेस्टी, जो मांडले का, मांडले के कंगबुआंग डायनेस्टी के बारे में बताया है, जिक्र किया है। अगला प्रश्न, साधारण बोलचाल की भाषा में संपूर्ण रोग मुक्ति पाने के लिए, पाने के अर्थ में इनमें से किस शब्द का उपयोग करते हैं हम लोग? ए राम राम, बी रामबाण, सी लक्ष्मण रेखा, डी जयराम। संपूर्ण रोग मुक्ति की दवा
इसका आंसर होंगे रामबाण। रामबाण को हम लोग ऐसे मानते हैं कुछ भी बोलने के लिए कि पूरा बीमारी ठीक कर देगा, यानी रामबाण दवा है, इस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? ए नेपाल, बी भूटान, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। इसके आंसर होंगे डी बांग्लादेश। इसके साथ 4,096 सबसे लंबी। अगला प्रश्न, बाम्बू रैक्स राइस ब्रांड, राइस ब्रांड होगा, आर ओ हो गया गलती से, इनमें से किसके लिए कच्चे सामग्री है? ए रसायन, बी खाद, सी रुई, डी पेपर। इसके आंसर होंगे डी पेपर। इस सभी से पेपर बनते हैं। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 2001 को इनमें से किस स्थान पर भयंकर भूकंप आया था? ए उत्तरकाशी, बी भूज, सी अंडमान और निकोबार, डी किन्नौर। इसका आंसर होंगे बी भूज। भूज में आया था। उस समय 52वां गणतंत्र दिवस मनाया जा, लगभग 20,000 लोग मारे गए थे और लगभग इतना ही घायल भी हुए थे, और जो तीव्रता थी भूकंप की 7.7 रिक्टर पैमाने पर, बहुत भयंकर था मित्र ये भूकंप 26 जनवरी को 2001। सभी गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहे थे उसी समय। अगला प्रश्न, इनमें से किस वर्ष भारत की आबादी में 40.31 दर से ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? ए 1931, बी 1921, सी 1941, डी 1911। इसके आंसर होंगे 1921। इस समय भुखमरी, अकाल, बीमारी, इन सब से बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, मारे गए थे, इसलिए जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न, दूरदर्शन का ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी इनमें से कौन सा है? ए प्रसार भारती, बी आकाशवाणी, सी ज्ञान भारती, डी एन एफ डी सी। इसके आंसर होंगे ए प्रसार भारती। अगला प्रश्न, नागा नेत्री रानी गाइडिनलू को रानी की उपाधि किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी गांधी जी। रानी गाइडिनलू। मित्र, अगर कोई प्रश्न आया हो तो कमेंट में लिखिएगा, लाइक जरूर दीजिए, लाइक दे दीजिए। इसके आंसर होंगे बी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी जब 1937 में शिलोंग में जेल में रानी गाइडिनलू से मिले थे, तो उन्होंने उस समय उनको रानी की उपाधि दिए थे, तभी से वे रानी गाइडिनलू जाने गए। मणिपुर नागालैंड में उनको मणिपुर की रानी लक्ष्मीबाई कहते हुए क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़े थे, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, जेल गए थे। 2018 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मणिपुर गए थे, तो उनको देश का बेटी कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार इनमें से कौन 12 वर्षों तक जगे रहे, ये जगे थे? ए भरत, बी लक्ष्मण, सी उर्मिला, डी हनुमान। इसका आंसर होंगे बी लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास जा रहे थे, जब अयोध्या छोड़ दिए थे और जंगल में प्रवेश कर गए थे, उसी समय काफी थक गए थे, शाम हो चुका था, तो वे सोना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको सुरक्षा देना था राम जी को और सीता जी को। तो उस समय निद्रा देवी आए, तो उनसे कहे कि आप भी सो जाओ, लक्ष्मण जी से। तो बोले नहीं, मुझे अभी जागना है और जाग करके इनका पहरा देना है, सुरक्षा करना है। और उन्होंने विनती किए निद्रा देवी से कि आप जाकर उर्मिला से
मेरे लिए सोने के लिए कहे, दिन को मेरे लिए और रात को अपने लिए सोए। तो उर्मिला 12 वर्षों तक दिन को और रात को सोते रहते थे लक्ष्मण जी के बदले में। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। चित्र को देखिए और पहचानिए कौन है। तो ये है अनिल अग्रवाल जी, वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड के संस्थापक और चेयरपर्सन है। अभी इन्होंने अभी 100 करोड़ रुपए राहत कोष में दिए हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड फिल्म हैदर किस प्रसिद्ध अंग्रेजी ड्रामा पर आधारित है। ए आर्म्स एंड द मैन, बी प्राइड एंड प्रेजुडाइस, सी वार एंड पीस, डी हेमलेट। इसका आंसर होंगे डी हेमलेट, हेमलेट पर आधारित है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ए 563 ईसा पूर्व, बी 763 ईसा पूर्व, सी 545 ईस्वी, डी 255 ईस्वी। बी में 763 ईस्वी। इसके आंसर होंगे ए 563 ईसा पूर्व। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ये नंबर जो है 563, इसको याद रखना होगा। अगला प्रश्न, इस मैप को देखिए, मानचित्र को बताइए, भारत के कौन से राज्य का मानचित्र है ये। इसका आंसर होंगे उत्तराखंड। अगला प्रश्न, इस महापुरुष को पहचानिए, किनका चित्र है। तीसरा आंसर है बंगबंधु, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और एक चित्र है, इनको भी पहचानिए, तो ये शेख हसीना वाजद है। ये बंगबंधु जी के बेटी है, भारत से बहुत नाता रहा है, भारत में बहुत साल तक रही जब बांग्लादेश में लड़ाई चल रहा था। और एक लोगो, ये लोगो यूएनए का है। और ये झंडा इटली का झंडा है। मित्र अगर आप नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले लाइक दे दीजिए। और तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ केबीसी का तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इसके लिए जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दे, और उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन है सबसे ऊपर वाला घंटी, उसको भी प्रेस कर दे, जरूरी है। तो इससे हमारे वीडियो आप तक फ्री में पहुंचते रहेंगे और तैयारी करते रहे केबीसी का। धन्यवाद।